तो कैसे हैं आप लोग? हेलो ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स पोकेमॉन इवोल्यूशन गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज न्यू इवेंट आने वाला है और दिन था, लेकिन वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है। उसका भी एक रीज़न भी है, लेकिन सुबह मैंने देखा था कि जुकेट फ्री आने वाला है, लेकिन जब मैंने गेम अभी चेकआउट किया तब देखा कि नया पोकेमॉन आया है, तो वीडियो तो बनता ही है। सॉरी फॉर लेट, और क्या ही कर सकता हूँ मैं। और चेकआउट मतलब नहीं किया था सुबह, वही मेरा गलती था। और यहाँ पे टास्क एक्सपायर्ड फिर से वही वाला इवेंट आ चुका है, तो मैं आप सभी जानते ही हो मैं बस बार बार एक ही टास्क के ऊपर ध्यान देने के बोलता हूँ। सबसे दिन में 5 घंटे फोन पकड़ो 3000 के ऊपर, तो आपको 5000 लगातार 1 रुपया लेकर मिलता ही जाएगा। और यहाँ पे एक नया इवेंट आया है म्यूथ ट्रेजरी, और ये चलो मैं पढ़ लेता हूँ। तो बस ये पढ़ने के बाद मुझे तो इतने समझ में आया कि 88 डायमंड खर्चा करो, फिर आप लोगों को 238 डायमंड मिलेगा। हर 3-7 टाइम आपको मतलब 7 मौका मिलेगा डायमंड खर्चा करने के बाद ज़्यादा डायमंड मिलने का। तो ये स्पिन हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या आया है। और मैंने एक बार स्पिन कर भी लिया था, ठीक है, एक बार 88 डायमंड मैंने यूज़ कर लिया था और मैंने नहीं किया, और मैंने सोचा कि वीडियो पे कर लूँगा। और यहाँ पे गाइस फिर से वही बेकार सा इवेंट आ चुका है, हर दिन में सिर्फ और सिर्फ 5 यूसेज एंड वाउचर हम लोग ले पाएंगे। 7 डेज पे 35, भाई क्या करेंगे 35 लेके, कम से कम 50 तो देना चाहिए। 100 तो नहीं देगा और क्या ही कर सकते, लेकिन 50 तो देना ही चाहिए। और यहाँ पे फिर 20 ए बी सी में वही सेम वाला इवेंट, मतलब जब इससे जानते ही हो मैं हर एक पोकेमॉन के बारे में, पोकेमॉन का एक्सक्लूसिव गियर के बारे में, एक मूव के बारे में नहीं बोलने वाला, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मतलब बनाया हुआ है। तो ठीक है, तो एम आर सिराजू भाई ये पोकेमॉन उतना अच्छा नहीं है, मतलब फुल कन्वर्ट के बाद अच्छा मिलेगा, लेकिन उससे पहले फुल कन्वर्ट पहले तो भाई बहुत इवॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उतना अच्छा नहीं है। तो इसको पोकेमॉन को फुल इग्नोर करना। और सैमिन भाई बहुत ही अच्छा अभी हो गया है, ठीक है, मुझे सैमिन का पावर अभी पता नहीं था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा फिजिकल डिफेंस टाइप पोकेमॉन है सैमिन, मतलब हर किसी को डिफेंड कर सकता है। जैसे कि मतलब कोई भी पोकेमॉन सोचे फिजिकल डिफेंस टाइप क्या है, ओरिजिन म्यूटू को भी डिफेंस आराम से कर सकता है। और हमें यह वाला सोल गैलरी भी कन्वर्ट के बाद ही अच्छा बनेगा, उससे बाद तो नहीं बनेगा, तो सोल गैलरी को भी इग्नोर करना। पोकेमॉन अच्छा है लेकिन बहुत इग्नोर करना पड़ेगा, उतने बाद ही अच्छा बनेगा, तो इसलिए कह रहा हूँ इग्नोर करना। और लूनाना भी सेम ही है, कन्वर्ट के बाद ही अच्छा बनेगा, और क्या ही कर सकते। और टियान सा भी डिफेंस टाइप पोकेमॉन में से अच्छा है, और यहाँ पे बजे लोल पे अच्छा है, और यहाँ पे गेनिस्ट पे अच्छा है, मुझे बताता कि गेनिस्ट पे आया है, लेकिन अभी तो भाई फिडोमोसा आ गया है। बाग टाइप में सबसे बेस्ट पोकेमॉन है फिडोमोसा, अगर बाग टाइप पसंद तो फिर फिडोमोसा डेफिनेटली यूज़ करो। इन दोनों को मतलब यूज़ कर ही सकता, दोनों पोकेमॉन बुरे भी नहीं है, अच्छा ही है। और यहाँ पे गाइस नया पोकेमॉन, इसका नाम क्या है, इसका नाम ड्रैगो, नाम मैंने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे ये ड्रैगापुल्ट भाई, ये प्रोनाउंस मैंने शायद नहीं किया, और भाई क्या मुझसे नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ दो। इसका एबिलिटी हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ इसका एबिलिटी है, लेकिन वो अच्छा, उससे पहले तो इस्टिया देख रहा था, तो भी इसका फिजिकल डाटा देख सकते हो, 190 सिर्फ, लेकिन भाई स्पीड 160, भाई साहब 160 स्पीड के साथ फिजिकल डाटा 190, मतलब अभी तो फिजिकल डाटा मुझे बहुत ही ज़्यादा लगने लगा है भाई, मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन भाई बहुत ही कम मिलता है। और इसका टाइप भी देख सकते हो, बहुत ही यूनिक टाइप है, वोस्ट एंड ड्रैगन टाइप, भाई बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है। अटैक मुझे सब मतलब पहले तो कम लगा था, लेकिन स्पीड के साथ अटैक भाई खतरनाक पोकेमॉन है, कसम से बोल रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं चाहते तो ले ही सकते हो, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। और इसके एबिलिटी भी देख लेते हैं यहाँ पे गाइस, ये वाला पोकेमॉन दोनों एबिलिटी गाइस सेम ही है, ठीक है। तो पहले तो ये बोल देता हूँ, लाइट स्क्रीन रिफ्लेक्ट सेफ गार्ड एंड मिस्ट को भाई इग्नोर करेगा, भाई रिफ्लेक्ट को यूज़ करेगा, मतलब एबिलिटी में और क्या चाहिए। तो फिर लेकिन पहले वाला एबिलिटी थोड़ा बहुत और भी अच्छा है, क्योंकि हमें पहले एबिलिटी में 30% इंक्रीज मिलने को तो वो देख रहा है, गोस्ट एंड ड्रैगन टाइप मूव को 30% इंक्रीज हो जाएगा उसका पावर। तो सेकंड वाला एबिलिटी मतलब रखना, फर्स्ट वाला एबिलिटी रखना, सेकंड में सिर्फ उसमें इग्नोर करेगा उस सारे मूव को। भाई गियर का प्राइस है 160, तो गियर का काम तो देख लेते हैं, 30% इंक्रीज तो करेगा ही हर एक मूव को, मतलब जो भी इसका टाइप है। और गाइस नेक्स्ट देखो, ओपोनेंट के पोकेमॉन को हील ब्लॉक करेगा, ठीक है, और ओपोनेंट के पोकेमॉन का अगर कोई भी क्रिटिकल टाइप अटैक यूज़ करे तो फिर उसका पावर 25% रिड्यूस हो जाएगा, तो यार थोड़ा बहुत अच्छा ही है। और यहाँ पे एक अटैक ड्रैगन एड होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगर सी वाला अटैक यूज़ करने के बाद हमारे पास 20% चांस है, क्योंकि हम ओपोनेंट के पोकेमॉन का डिफेंस -1 लेवल कर सकते हैं, ठीक है, तो 20% चांस होता है, थोड़ा कम ही है, तो कोई बात नहीं, डिफेंस मतलब डिक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये सेकंड वाला अटैक सील अटैक, तो इसका भी काम देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। सेकंड वाला अटैक का भी काम गियर जैसा ही है, ओपोनेंट के पोकेमॉन हील ब्लॉक करेगा भाई, बहुत ही बढ़िया, 3 राउंड्स के लिए हील ब्लॉक कर सकते हैं ये वाला सेकंड वाला अटैक। और यहाँ पे और कोई कुछ दिखाने के लिए नहीं है। और यहाँ पे मेगाडोन इवेंट भी आया है, इसको बोलना बेकार है, आप सभी जानते हो मेगाडोन इवेंट। और यहाँ पे सुप्रीम टोकन फिर से वही पोकेमॉन सेम,
ये तो आया था शायद पहले या फिर नहीं आया था भाई, ये तो आया था कंफर्म आया था वाला पोकमॉन। मुझे कमेंट करके ये बताना कि पोकमॉन पहले आया है या फिर नहीं आया है। मुझे तो लगता रहा है ये पोकमॉन आया है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकमॉन चाहिए यहाँ पे, और रेड विंग्स हो भाई। अगर वो आ जाए ना तो फिर मैं डेफिनेटली उसको खरीद लूँगा। चलो देखते हैं अगर आता है तो क्या क्या करता हूँ। और गाइस बाकी है अभी क्या न्यू मियाउथ मियाउथ जो भी है यहाँ पे, तो ये वाला बाकी है। मैंने सुबह एक बार किया था, ये मैं देख सकते हो अभी डायमंड का कॉस्ट बढ़ गया है, तो फिर मुझे 691 डायमंड तक मिल सकते हैं। लेकिन अरे रुको, ये क्या होगा, स्पिन तो हो गया 0 0 0। तो डायमंड डायमंड क्या मेरा क्या खर्चा हुआ या फिर नहीं हुआ, एक और बार करते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे 0 0 0 अभी भी नहीं मिला। अरे डायमंड सेम ही है तो ये पे लिखा क्या आ रहा है। चलो लिखा जो आ रहा है उसको, यू कैन ओनली परचेस व्हेन योर अकाउंट डायमंड विद रीच 60। अरे भाई 60 डायमंड परचेस करने के बाद हमें ये फिर से करने का मौका मिला, तो मतलब क्या है इवेंट का देने का, इवेंट मतलब क्यों दे रहे हैं ये लोग। अगर टॉप वाला इवेंट तो मतलब बाकी लोग क्या करेंगे ये वाला इवेंट लेके, जो टॉप नहीं करते भाई। मैं भी अभी नहीं करता टॉप, तो क्या करूँगा वाल भाई, सब अमीरों के लिए इवेंट है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखो, इवेंट का टाइम है 7 डेज तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कॉन्फर्म तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ तो बता ही सकता हूँ, जैसे कि इवेंट 7 डेज तक इवेंट दे सकते हैं। हमें यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रेश टाइम है 4 आवर्स, तो 4 आवर्स के बाद हमें शायद हमें एक और चांस मिल रहा है, मिल सकता है फ्री स्पिन करने का, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब कन्फर्म ऐसा ही होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि टॉप अप से मतलब टॉप अप करने के बाद ही ऐसा होगा ऐसा तो नहीं बोल रहा। और यहाँ पे कैपेच में देख सकते हो यहाँ पे DRC आया है, अब सब चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और ऐसा तो कन्फर्म मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ, कन्फर्म नहीं है, मैं ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है 4 आवर्स के बाद फिर से हमें स्पिन करने का मौका मिल जाए। और साइज सिखाने के लिए नहीं है, सब कुछ मैंने दिखाई दिया और 4 आवर्स के बाद वही गाइस हमें पता चल जाएगा क्या हम लोग को स्पिन कर पाएंगे या फिर नहीं। सो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो एक लाइक जरूर कर किया ना। और गाइस आने से पहले जिस किसी ने भी कुछ सब्सक्राइब वाले बटन की तरफ देखा नहीं छुआ नहीं ऐसे मत किया करो, मेरे भाई उसको देख के छू के रेट से ग्रे कर लगा दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।